यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया और प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को लाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के पर्यटन के लिए अपार संभावना है। बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले नंबर पर उभर कर सामने आए। रविवार को 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में सुशांत गोल्फ सिटी स्थित द सेंट्रम होटल में बोल रहे थे। स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो अनंत संभावनाएं है और एक क्षेत्र में जहां भी आप रहेंगे, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने के लिए की हकदार है, काशी, वो हमारे पास है। और काशी में जाकर के हरेक श्रद्धालु और पर्यटक अपने आप ही हर हर महादेव के उस ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ करके आनंद की अनुभूति करता है। काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण विगत वर्ष किया। अभी 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे हुए हैं। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी।